गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। स्कूटी चलाते पड़ा मिर्गी का दौरा, स्वारघाट में ट्रक से टकराया पंचायत चौकीदार। ट्रैक्टर के नीचे पिस गया ड्राइवर, नगरोटा सूर्या के पास दर्दनाक हादसा। कोलकाता में जिंदगी की जंग हारा पंचरुखी का फौजी, सैकड़ों नम आंखों ने दी लाडले को विदाई। कुल्लू पुलिस के खिलाफ गर्जे मंडी के वकील, बार एसोसिएशन ने दी आंदोलन की धमकी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि हिमाचल पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। अरब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर स्वारघाट से 3 किलोमीटर दूर संतोषी माता मंदिर के पास पंचायत चौकीदार को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से उसकी स्कूटी सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया। संतोषी माता मंदिर के सेवक रूप सिंह व अन्य लोगों ने घायल डिम्पल कुमार को उठाकर पीएचसी स्वारघाट पहुंचाया, जहां से उसे नाजुक हालत के चलते एफआरयू नालागढ़ रेफर कर दिया है। डिम्पल कुमार स्वारघाट की ग्राम पंचायत कुटहला में चौकीदार के पद पर काम करता है और रोजाना की तरह ड्यूटी पर जा रहा था कि रास्ते में मिर्गी का दौरा पड़ने से यह हादसा हो गया। कांगड़ा के नगरोटा सूर्या के पास सड़क हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देहरा जवाली सड़क मार्ग पर गुहन में शुक्रवार रात को अचानक ट्रैक्टर गिरने से चालक की मौत हो गई। ड्राइवर ट्रैक्टर की जसूर से सर्विस करवाकर नगरोटा सूर्या आ रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार राणा ने बताया कि सड़क से पलटकर ट्रैक्टर झाड़ियों में फंसा हुआ था और उसके नीचे ड्राइवर की दबने से मौत हो गई। पुलिस ने हाइड्रा क्रेन और लोगों की मदद से ट्रैक्टर उठाकर ड्राइवर की लाश निकाली। मृतक की शिनाख्त रजत चौधरी पुत्र जगरूप सिंह निवासी गुलेर के रूप में हुई है। बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ है उस जगह पर 2 दिन पहले सड़क पर काफी मात्रा में दलदल पसरा हुआ था। भारतीय फौज में हवलदार का कोलकाता में बीमारी के चलते निधन हो गया। शनिवार को पैतृक गांव में शहीद हवलदार को नम आंखों से विदाई दी गई। पंचरुखी के टटहल निवासी हवलदार सुरेंद्र सिंह आजकल रांची में तैनात थे। बताया जा रहा है कि वह कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे और कोलकाता में उनका निधन हो गया। इसी बीच टटहल पहुंची लाडले की लाश से यहां चीखों पुकार मच गई और शनिवार को हवलदार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सेना के जवानों से गार्ड ऑफ ऑनर देकर हवलदार सुरेंद्र सिंह को अंतिम सफर पर रवाना किया। 14 ग्रेनेडियर में कार्यरत सैनिक के शव को उसके 15 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। वह अपने पीछे माता, पिता, पत्नी और बेटा व बेटी छोड़ गए हैं। कुल्लू के सीनियर अधिवक्ता चनेश्वर ठाकुर को मंडी बार एसोसिएशन का समर्थन मिला है। मंडी बार एसोसिएशन का कहना है कि कुल्लू पुलिस ने शक्तियों का दुरुपयोग कर सीनियर अधिवक्ता को जो जलील करने का प्रयास किया है वह सही नहीं है। मंडी बार एसोसिएशन के प्रधान दिनेश शर्मा ने बताया कि कुल्लू पुलिस के SHO एक सीनियर अधिवक्ता को जलील करती है और उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उनको ही गिरफ्तार कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है। इस घटनाक्रम का बार एसोसिएशन मंडी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि सीनियर अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर को झूठे केस में फंसाने के आरोप में यदि प्रशासन कुल्लू पुलिस SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी, हम जो है कुल्लू बार एसोसिएशन की फेवर में स्पोर्ट में हमने कोर्ट से अब्सटेन रखा हुआ है। साथ के साथ हम उनका समर्थन करते हैं। पुलिस वालों ने जो अपना एक डिक्टेटरशिप वाला रवैया अपना रखा है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या IPC इन पुलिस वालों के लिए बनी हुई है? हर किसी आदमी को पकड़ें और उन्हें जो है झूठे केसों में इन्वॉल्व कर दें, ये तो हमारे वकील साहब ने अपनी थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड बताई है। उन्होंने गाड़ी की चाबी गायब कर दी, अदरवाइज उन पर उन्होंने NDPS का केस तक दर्ज करने के चक्कर में थे। तो मतलब क्या इतनी फेडरल पावर पुलिस को दे दी गई है भी वो किसी भी वकील को, किसी भी आम नागरिक को जो है झूठे केसों में फंसा दें? हम इसका जो है पुरजोर विरोध करते हैं और अब अगर इसके खिलाफ स्टेप ना लिया गया उस SHO के खिलाफ जिसने उसके झूठा कंप्लेंट दर्ज कराई है,
तो ये रुद्र रूप ले लिया जाएगा। हम रास्ता भी रोक सकते हैं और जो है हम किसी भी हद तक जो है हमारी कम्युनिटी जो है जा सकती है। हम जल्दी जल्द चाहते हैं।